ताजा हालात न्यूज लाइव मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आपण पाहत आहात ताजा हालात न्यूज लाइव। नांदेड मध्ये 18 नवे रुग्ण सापडले। 41 अहवालात 18 जण कोरोना बाधित। 22 कोरोना बाधितांना घरी सोडण्यात आल्यानंतर नांदेडकरांना काहीसा दिलासा मिळाला असताना आज शनिवारी एकाच वेळी 18 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने खळबळ उडाली आहे। गुरुवारी रात्रीपर्यंत म्हणजे 36 तासांपासून 304 जणांचे अहवाल प्रलंबित असल्याने त्यांपैकी अनेक जण कोरोना बाधित असू शकतात अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती। शनिवारी 18 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने ही भीती खरी ठरली आणि संपूर्ण नांदेड जिल्हा पुन्हा हादरून गेला। विशेष म्हणजे 304 पैकी फक्त 41 अहवाल मिळाले, त्यात 18 रुग्ण कोरोना बाधित असल्याचे समोर आले। यामध्ये मागे मृत्यू पावलेल्या करबला येथील कोरोनाबाधिताच्या निकटवर्तीयातील चौघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे। दरम्यान सराफा परिसरातील कुंभार गल्ली येथे एक रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आल्याने या भागातही कोरोनाने पाऊल ठेवल्याचे दिसून येते। यामुळे सराफा भागातील लोकांची चिंता वाढली आहे। 13 कोरोनाबाधित हे प्रवासी असल्याचे सांगण्यात आले असून ते कुठून आले, कुठले प्रवासी आहेत याची माहिती प्रशासनाने प्रेस नोटमध्ये दिली नाही। एकीकडे बाजारपेठ सुरू करता येईल का याची चाचपणी प्रशासनाकडून केली जात असताना आज 18 नवे रुग्ण सापडल्याने नांदेडवर चिंतेचे ढग जमा झाले आहे। ताजा हालात न्यूज लाइव ब्युरो देगलूर। जिले जिला दवाखाना शहर देगलूर के 4 डॉक्टरों को भाजप विधायक ने डेपुटेशन के ऊपर लेकर गए। देगलूर के कुंभकरण गहरी नींद में बेहद ही खास और मुश्किल हालात में सारा जहां जब कोरोना की वबा से परेशान है वहां अजीब और गरीब हालात देगलूर में पेश आ रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र के सीएम जनाब उद्धव साहब ठाकरे, कांग्रेस की ओर से बनाए गए रियासत वजीर सेहत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सरपरस्त वजीर, देगलूर शहर के विधायक और अवामी तौर पर चुने गए मेयर, दरअसल कांग्रेस के जिम्मेदार रहते वक्त भी शहर देगलूर के जिले के डॉक्टर अली साहब जो MS मेडिसिन है, डॉक्टर ठकरवाड़ साहब MS सर्जन है और डॉक्टर वाड़ के और डॉक्टर अर्पणा जो लेडीज स्पेशलिस्ट है, दो मर्द हजरात कर्मचारी मुखड़ में डेपुटेशन पर बदली हुई है। रियासत जिले में और शहर में तालुका स्तर पर कांग्रेस की ताकत रहते वक्त भी भाजपा के आमदार के हलके में कोरोना का दवाखाना बन रहा है। कांग्रेस आमदार नगर अध्यक्ष पंचायत